नमस्ते दोस्तों, साउंड एंड टेक की और एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पूरे दिल से। तो फिर सबको थोड़ी देर से ही सही पर मेरी क्रिसमस और जो नया साल आ रहा है उसके लिए पहले से ही आप सभी को बहुत सारे बधाई। तो दोस्तों, आप लोगों के मन में हर वक्त कुछ कुछ सवाल रह जाते हैं जिनके अंदर एक बहुत नाजुक सा सवाल होता है हॉर्न का साउंड, क्योंकि प्रोग्राम के लिए, कॉम्पिटिशन के लिए, नॉर्मल बजाने के लिए हॉर्न का साउंड का क्वालिटी अलग अलग होना बहुत ही जरूरी होता है। और होता यह है कि बहुत सारे दोस्त हमारे समझ नहीं पाते कि उनका जब लंबा लाइन में काम चल रहा है हॉर्न का, तब साउंड क्यों बैठ जाते हैं, तब साउंड का दिक्कत क्यों होते हैं, और एम्पलीफायर कभी कभी क्यों तकलीफ में पड़ जाते हैं। तो इसके ऊपर मैं दूंगा अपनी तरह से कुछ टिप्स, जो हमारा एक्सपीरियंस है वही शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। आशा रखते हैं कि अगर हर एक पॉइंट आप थोड़ा ध्यान से सुन ले तो फिर आपका भी हॉर्न का साउंड अच्छा खासा हो ही सकता है। दोस्तों पहले एक क्लिप देख लीजिए। फिर यहाँ पे है हॉर्न, देखिए क्वालिटी भाई इसका। तो कुछ इस तरीके से हॉर्न डाला हुआ है। यहाँ सिर्फ दो ही पीस है हॉर्न हमारा जो है। यहाँ सीधा सीधा देखिए हॉर्न का स्विंग कैसा आता है। मैं सिर्फ क्वालिटी और स्विंग रेंज के लिए आप लोगों को साउंड दिखा रहा हूँ, और इसके बाद में जाता हूँ दूसरा जो पेड़ के पास हॉर्न लगा हुआ है उनके पास आपको ले जाता हूँ। फिर चलिए ठीक है ना। ये भाई है अबुजा 250 में कनेक्ट हुआ, तो ठीक है फिर चलिए एम्पलीफायर कौन सा यूज कर रहा हूँ एक बार देख लीजिए, देख के खुश होंगे आप। तो ये हमारा एक प्रोग्राम था जहाँ हॉर्न ऐसी क्वालिटी के साथ बज रहा था। अगर आपका भी हॉर्न है और ऐसा क्वालिटी नहीं प्रोवाइड कर रहा है तो ये टिप्स आपका शायद काम में आ जाए, तो थोड़ा सुन लीजिए दोस्तों। पॉइंट नंबर 1, लोड। अपना एम्पलीफायर को हमेशा अंडर लोड रखने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि एम्पलीफायर अगर अंडर लोड होगा तो वो अपना जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है बहुत अच्छी तरीके से प्रोवाइड करेगा। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, ज़्यादातर लंबा लाइन का काम लाइन ट्रांसफार्मर के साथ किया जाता है, तो ऐसे में एम्पलीफायर का लोड कम रहना थोड़ा ज़रूरी होता है। तो अगर आप हमसे पूछे तो भैया किस एम्पलीफायर पे कितना लोड दे, मैं थोड़ा बहुत अपना एक्सपीरियंस आपको बोल रहा हूं। आप 501 का जो एम्पलीफायर होता है, 502 का जो एम्पलीफायर होता है, उनमें अगर 60 वाट का यूनिट ड्राइव करना चाहते हो लाइन ट्रांसफार्मर के साथ भाई, तब आप क्या करो 10 हॉर्न एक साथ ड्राइव कर सकते हो आराम से। मैं बोलूंगा आपको क्वालिटी के साथ और जोर के साथ बजेगा अगर आपका वहां तीनों कॉयल तार के अंदर ये लोड रहे, यानी कि तीनों कॉयल तार के अंदर अगर आपका 10 पीस 60 वाट का यूनिट के साथ लाइन ट्रांसफार्मर के साथ हॉर्न चल रहा है 500 वाट में, तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस आपको मिलेगा। इसी तरह से आपका तार थोड़ा सा बढ़ जाए तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा थोड़ा नंबर ऑफ हॉर्न्स कम कर दीजिए, और अगर आप 35-40 वाट में हॉर्न चलाना चाहते हो भाई, तब तो आप लाइन ट्रांसफार्मर के साथ भी आराम से 15-16 हॉर्न 500 वाट के एम्पलीफायर के साथ चला सकते हो। अगर आप 701 में हॉर्न बजाते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा 4-5 कॉइल तार के अंदर 12-14 60 वाट के यूनिट के साथ आप आराम से हॉर्न चला सकते हो, वो भी फुल क्वालिटी में। यहां अगर आपका 40 वाट का यूनिट हो तो फिर आप 18 पीस तक यूज कर सकते हो, आपका लोड एकदम अच्छी तरीके से हो जाएगा एम्पली और साउंड का क्वालिटी भी इसमें बढ़िया रहता है। ये फील्ड एक्सपीरियंस का बात है भाई, ये सब कुछ लोड हमने चला के देखे हैं। आहूजा का कुछ एम्पलीफायर्स का बात किया जाए तो आहूजा का जो एम्पलीफायर होता है 500 अगर SPA में हो तो वहां पे आप 12 हॉर्न यूज कर सकते हैं आराम से 60 वाट के यूनिट के साथ, और अगर आपका
एसएसए मॉडल में हो तो फिर मैं आपको बोलूंगा 10 या 11 पीस के ऊपर वहां पे लोड मत दीजिए, नहीं तो क्वालिटी थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। बीटीजेड जो 1000 आते हैं, हालांकि उनमें तो हर कोई हॉर्न चलाता नहीं, पर कभी कभी उनमें भी हॉर्न चलाना पड़ता है, क्योंकि मैं अकेला ही एक ऐसा बंदा हूंगा जो बीटीजेड 1000 को बैटरी के साथ भी चलाया हूं, वो भी लाइन ट्रांसफॉर्मर में। तो इसीलिए मुझे थोड़ा अंदाजा है, मैं बीटीजेड 1000 के साथ 24 हॉर्न यूज कर रहा था, वो भी 60 वाट के यूनिट के साथ चल रहा था। और दोस्तों, अगर सुपर पावर एम्पलीफायर 1000 वाट का बात किया जाए आहूजा में, तो उसके ऊपर मैं रेकमेंड करूंगा 18 से 20 हॉर्न के ऊपर मत जाओ 60 वाट यूनिट में। और फिर स्ट्रेंजर का पीबीटी सीरीज का एम्पलीफायर के साथ अगर आप हॉर्न चलाना चाहते हो 60 वाट यूनिट के साथ, तो मैं बोलूंगा वहां पे 20 से 22 तक आपका लोड ले लेगा, पर हो सके तो 18 से 20 के अंदर लोड आप मेंटेन कीजिए, इससे आप का क्वालिटी बरकरार रहेगा प्रोग्राम के लिए भी। और अगर कंपटीशन के लिए हो तो 2 पीस करके हॉर्न हर एक में कम कर दीजिए, आपका लोड मेंटेन हो जाएगा बढ़िया तरीके से। और यहां पे आते हैं वायर के ऊपर, आपको कैसा वायर यूज करना चाहिए। लॉन्ग रनिंग पे अगर आप काम कर रहे हो तो अच्छे खासे वायर आपके पास होना जरूरी होता है, क्योंकि अगर वहां पे आप कटा हुआ चिटा हुआ तार यूज करोगे ज्यादा, तो क्या होगा, एम्पलीफायर के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोड जनरेट होगा, तो उससे क्या होगा, आपका जो लाइन है उसमें वोल्टेज प्रोवाइड होना कम हो जाएगा, जैसे कि आपका साउंड अच्छी तरीके से जाएगा ही नहीं। तो भाई यहां पे आपको तार कैसा यूज करना है, मैं बोलूंगा हर वक्त फ्रेश तार यूज किया करो, तार को कभी बीच में काटो नहीं। और यहां पे अगर आप फ्लेक्सिबल यूज कर रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा 23-36 आप यूज कर सकते हो आराम से। और अगर आप मेन के साथ जाना चाहते हो मेन वायर, वो आप 0.75 mm स्क्वायर का जो तार होता है वो हॉर्न चलाने के लिए आराम से यूज कर सकते हो भाई। देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ पे ज़्यादातर जो हॉर्न चलाने के लिए यूज होते हैं, स्ट्रेंजर का 500 यूज होता है, और कहीं 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 हर जगह नहीं, स्ट्रेंजर का जो 800 वाट है उसमें भी हॉर्न चलता है। कहीं मैं भी चला के देखा हूँ, मुझे उतना बेहतर नहीं लगा, पर चलता है। और जो सबसे ज्यादा हॉर्न चलता है वो है स्ट्रेंजर का पीबीटी 701। ये हॉर्न बजाने में सच में एक माहिर एम्पलीफायर है, ये मैं खुद भी यूज करता हूं और रेकमेंड भी करता हूं पूरी तरीके से। और अगर आहूजा एम्पलीफायर के साथ आप हॉर्न चलाने जा रहे हो, तो फिर भाई आप एसपीए में 500 और एसपीए में 1000 और टू जोन एम्पलीफायर में आहूजा का जो 4000 होता है और बीटीजेड में जो 10000 होता है, यानी कि 1000 वाट का और 400 वाट का जो टू जोन वाला एम्पलीफायर, उसमें भी हॉर्न बढ़िया चलते हैं अगर आप प्रोग्राम के लिए चलाने जा रहे हो। और कंपटीशन के लिए हर वक्त एक ही रिकमेंडेशन है भाई, स्ट्रेंजर का 701, इससे बेहतर हॉर्न बजेगा नहीं कंपटीशन के लिए, ठीक है। स्ट्रेंजर 701 में अगर आप 10 पीस करके 60 वाट का यूनिट प्रोवाइड कर रहे हो, 12 पीस तक भी दे सकते हो डायरेक्ट लाइन में, पर जब आप एलटी में यूज कर रहे हो तब डाल दो 10 पीस, कंपटीशन में एकदम फाड़ू साउंड कर देगा आपका एम्पलीफायर। और दोस्तों, अब आते हैं असली चीज के ऊपर, जो पॉइंट नंबर 4 है वो है हमारा लाइन ट्रांसफार्मर। तो लाइन ट्रांसफार्मर के ऊपर हर एक के दिल में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चंस होता है जिनका आंसर मुझे भी शायद नहीं पता हो, क्योंकि अभी तो बहुत बहुत तरीके का लाइन ट्रांसफार्मर मार्केट में भी बन रहा है और कंपनी के तरफ से भी आ रहे हैं। कॉम्पिटिशन के लिए अलग अलग बड़ा बड़ा वाटेज का लाइन ट्रांसफार्मर बनाया जा रहा है, हमने कहीं कहीं देखे हैं, जो कि कमेंट करते हैं भाई ये ट्रांसफार्मर ले रहे हो तो आपको क्या करना है, 250 वाट में चारों हॉर्न या तीनों हॉर्न डालना है, उससे ही ये बेहतर परफॉर्मेंस करेगा। तो बहुत सारा लाइन ट्रांसफार्मर है, आपको जो चाहिए वो ले लो। मैं एक ही बात आपको बोलूंगा, हर वक्त ये देख के लो आपका लाइन ट्रांसफार्मर कॉपर का ही बना हुआ हो, उसके अंदर जो वायर का उंड है वो कॉपर का ही होना चाहिए। अगर आप एल्युमिनियम का यूज कर रहे हो तो वो जल जाने का चांस बहुत ज्यादा रहता है।
और थोड़ा बाहर से अच्छी तरीके से देखने के लिए कोशिश कीजिएगा कि वो अच्छे से हीट वर्निश किया हुआ है या नहीं। अगर अच्छी तरीके से हीट वर्निश किया हुआ नहीं होगा तो जब वो लाइन में ऑपरेट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हीट होने के वजह से या फिर थोड़ा बहुत पानी अंदर जाने के वजह से वो जल सकता है। तो ये थोड़ा दो तीन छोटा छोटा बात आपको याद रखना है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात आती है, भाई कौन सा ड्राइवर यूनिट यूज़ करें, तो फिर उसके लिए मैं अपने पास आज दोनों ही ड्राइवर यूनिट रखा हूं भाई, आहूजा का भी है और पियानो का भी है। तो दोनों का यूजेस मैं रेकमेंड करूंगा, दोनों जगह के लिए अच्छा होता है कि आप प्रोग्राम में जा रहे हो आहूजा यूज करो, जेन्युइन क्वालिटी आएगा भाई। और अगर आप कॉम्पिटिशन में जा रहे हो तो वहां आपको पियानो यूज करना मस्ट है, क्योंकि इनका जो साउंड का तीखापन होता है ना वो कानों में बहुत ज्यादा चुभता है, पर आहूजा का जो मिठासापन है और जो क्वालिटी आहूजा में मेंटेन होती है वो प्रोग्राम के लिए बहुत ही खास और बहुत ही क्वालिटी दार रहता है। तो फिर आप लोगों ने शायद सुना होगा हर किसी के पास आहूजा और पियानो का एक एक तो यूनिट है, कंपेयर करेंगे अगर खुद वो ही आपको पता चल जाएगा कि भाई क्या बोल रहे थे। तो ये भी मैं आपको करके दिखा दूंगा। और एक इंपॉर्टेंट सा पॉइंट दोस्तों, अगर आपके पास बहुत सारे कंपनी का लाइन ट्रांसफार्मर पड़ा हुआ है तो मैं बोलूंगा भाई साहब एक ही लाइन में एक ही कंपनी का लाइन ट्रांसफार्मर यूज करने के लिए कोशिश करो। मतलब कि आप ये सोच लो 500 वाट में आप 10 पीस हॉर्न ड्राइव कर रहे हो, उस 10 पीस में 10 पीस ही एक ही कंपनी का लाइन ट्रांसफार्मर आपका होना जरूरत होता है, क्योंकि दोनों कंपनी का मेड कुछ अलग अलग तरीके से होता है। तो फिर यहां अगर आप एक ही कंपनी का यूज नहीं करोगे तो वहां आपका साउंड दब जाने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, जो कि प्रैक्टिकली आता भी है। यह भी मैं करके आज आप लोगों के सामने दिखा दूंगा, जो कि यहां पे हमारा दोनों अलग अलग कंपनीज का लाइन ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, इनको मैं लगा के दिखा दूंगा कि अलग अलग कैसे बजते हैं। तो दोस्तों हॉर्न के साउंड को अच्छा और मीठा सा और क्वालिटीफुल बनाने के लिए और एक जो इंपॉर्टेंट चीज होता है वो है हॉर्न का साइज। आपका हॉर्न का सामने वाला जो मुंह होता है वो कितना साइज का होता है इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आपका साउंड। अगर आपको बहुत दूर तक साउंड भेजना हो तो मैं वहां रिकमेंड करूंगा आप पीछे वाला जो हॉर्न होता है जिसको हम बंगला में बांसी भी बोलते हैं, उनको आप थोड़ा बड़ा साइज का लीजिए और आपका सामने वाला जो मुंह है उसको आप एकदम कोशिश कीजिए 12 से 14.5 या 15 इंच के अंदर ही रहे, तो उसका जो साउंड है भाई आपको दूर तक लॉन्ग थ्रो हो जाएगा। और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा अगर आप रोड शो करते हैं उसके लिए हॉर्न लेना चाहते हैं, प्रोग्राम करते हैं जिसके तांबू के बाहर आपका हॉर्न का यूजेस है, तो उसके लिए मैं रेकमेंड करूंगा बड़ा मुंह वाला हॉर्न हमेशा यूज कीजिए, क्योंकि इसके अंदर से साउंड बहुत ही ज्यादा क्वालिटीफुल निकलता है। अब आता है मेन टेस्टिंग का बारी, आहूजा और पियानो दोनों ड्राइवर यूनिट कौन सा आपको प्रोग्राम के लिए लेना होगा, कौन सा आपको कॉम्पिटिशन के लिए लेना होगा, ठीक है, इसके ऊपर होगा इन दोनों का साउंड टेस्टिंग। तो फिर दोस्तों यहां पे साउंड चेक के लिए मैं यूज कर रहा हूं पियानो की तरफ से SSB 120 DP और उसका बेस ट्रेबल और मास्टर और अक्स कितना खुला हुआ है ये है आप लोगों के सामने। और यहां हमने कनेक्ट कर लिए हैं एक लाइन ट्रांसफार्मर जिसका ये आउटपुट वायर हम कनेक्ट करेंगे ड्राइवर यूनिट्स में, जो कि मेरा एक ये वाला है पहले का जो है आहूजा और ये है दूसरा वाला पियानो, जो कि दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात पहले ही बता देता हूँ, ये दोनों ही ड्राइवर यूनिट हमारा ओरिजिनल है जिनके साथ मैं साउंड टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर दोस्तों ये रहा आहूजा यूनिट का साउंड। और ये है पियानो यूनिट का साउंड।
आप लोगों ने जैसा कि देखा यहाँ पे पियानो का जो साउंड है वो इतना तीखा होता है जो आपका कंपटीशन के लिए रहेगा बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतर। आप चाहो तो इसको प्रोग्राम में भी यूज कर सकते हो, प्रोग्राम में भी आप अच्छा ही रिस्पॉन्स पाओगे। और ये है भाई आहूजा, बहुत लोग तो इनको भी कॉम्पिटिशन के लिए यूज करते हैं, उनको शायद अच्छा लगता होगा, पर मुझे कहीं जाके लगता है कि ये प्रोग्राम के लिए बहुत ही बढ़िया होते हैं। इनके अंदर से बहुत ही एक मीठा सा क्वालिटी निकलता है जो मुझे खास के बहुत ही अच्छा लगता है। अभी आप लोगों को दिखाएंगे दोनों अलग अलग कंपनी का जो यहां पे लाइन ट्रांसफार्मर है वो एक साथ अगर जुड़ा हुआ हो तो साउंड खुलता है या फिर बैठ जाता है, ये आप अपने आंखों से पहले देख लीजिए। तो मैं यहां पे अलग अलग करके आपको दो सुना देता हूं। पहले तो ये था दोस्तों मेरा पियानो, और यहां पे देखिए यहां पे जब सिंगल यूनिट चल रहा है देखिए, यहां पे ऐसा क्वालिटी है, यहां पे भी सिंगल यूनिट चल रहा है देखिए। अभी मैं दोनों यूनिट को एक साथ चला रहा हूं देखिए, तो यहां पे क्या हुआ, दूसरा जो मेरा लाइन ट्रांसफार्मर है वो कनेक्ट करने के बाद कंपैरेटिवली इसका जो साउंड है वो मेरा कम होता ही जा रहा है। तो इसीलिए अगर ये एक ही कंपनी का दो पीस होगा तो ये दिक्कत आएगा नहीं, सब कंपनी के अंदर ये दिक्कत आता भी नहीं है। मेरे पास एक ऐसा प्रॉब्लम निकला था कुछ कंपनी के अंदर जो कि मैंने सोचा कि ये दूसरे लोगों के साथ भी हो सकता है, जैसे कि और एक बार आप देखिए, मैं यहाँ पे आपको सिंगल सिंगल दिखाता हूँ, यहाँ पे पियानो का साउंड देखिए। भाई आपके साथ भी ऐसा कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो आप भी सेम क्वालिटी का लाइन ट्रांसफार्मर एक ही मशीन सीरीज में यूज करके ये वाला प्रॉब्लम आप भी सॉल्व कर सकते हो। तो आज का वीडियो था हॉर्न, एलटी, यूनिट और वायर के ऊपर। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नए किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।